The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर्विलांस सेल जनपद मेरठ द्वारा लगभग 21 लाख की कीमत के 100 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं। मेरठ SSP रोहित सिंह साजवान के निर्देश पर नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। सर्विलांस सेल मेरठ द्वारा परिश्रम और मेहनत के बल पर विभिन्न कंपनियों के 100 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन मेरठ और अन्य जनपद व राज्यों से बरामद किए गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर नागरिकों ने SSP मेरठ और मेरठ पुलिस का धन्यवाद किया। बरामदगी करने वाली टीम में योगेंद्र कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद मेरठ, हेड कांस्टेबल शाहनवाज राणा, नरेंद्र, अमित, आकाश चौधरी, चंद्रपाल, राहुल, दीपक, मनवीर, अंकित सरोही, सोनू तेवतिया, अंजू चौहान आदि रहे। देखे नागरिकों को मोबाइल मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हुए। क्या नाम है मैम आपका? मिमी जी, कब आपका मोबाइल खोया था या चोरी हुआ था और आपको कैसे पता चला? सर, 3 महीने पहले जब मैं जॉब पे जा रही थी तो वहाँ पर 2 लड़के मुझसे कुछ बांध रखा था कपड़ा के और पूछ रहे थे कि एड्रेस कहाँ पे है। हाथ में मेरे फोन ही था, मैं कुछ बता ही नहीं पाई, पहुँची ना और भाग गई, मैं पैदल थी। तो आपको कब पता चला कि आपका मोबाइल मिल गया है? कल रात को कॉल आई थी वहाँ से सर की। जी, तो उन्होंने बताया कि कल 10:30 बजे पुलिस लाइन पर मिल जाना। तो आप कैसा लग रहा है आपको आज आपका मोबाइल मिला? अच्छा लग रहा है। कौन सी कंपनी का मोबाइल था? रेडमी। क्या नाम है आपका? क्या आज आप यहाँ पे आए, किस लिए आए हैं ये बताइए? पुलिस लाइन में फोन लेने के लिए आए हैं। किसका फोन है, कैसे है बताइए थोड़ा सा। सर, एक भाई ट्यूशन पढ़ने आया था तो मेरा फोन लेकर आया था, तो कहीं रास्ते में निकल गया भैया फोन की दिक्कत। अच्छा, फोन निकल गया था। तो आज आपका फोन मिला है, कितने टाइम हो गया फोन खोए हुए? 5 महीने। 5 महीने बाद फोन मिला है, कैसा लग रहा है, कैसे पता चला आपको कि आपका फोन मिल गया है? सर, खुशी की बात है, मेरा फोन मिल गया। मैं तो बहुत यानी मुझे तो इतना दुख होता कि मुझे तो पढ़ाई के लिए मिला था कॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो आज फोन आया था आपके पास में क्या? क्या नाम है आपका? कब आपका मोबाइल चोरी हुआ था और आपको कैसे पता चला कि आपको मोबाइल मिल गया है? जनवरी में मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, 1 साल होने वाला है। मैं जॉब पे से जा रही थी और जॉब पे से आते हुए रात में 6:30 बजे के करीब 2 लड़के आए सामने से और वो मैंने फ़ोन उठाया अपना, मेरा फ़ोन आया, मैंने फ़ोन निकाला जेब में से, उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और मैं उनके पीछे भी भागी, मैं गिर गई। फिर मैंने उसके बाद अपनी रिपोर्ट कराई, अपनी फैमिली को बुलाया, रिपोर्ट कराई और फिर आज सुबह मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन आया, मेरी सिस्टर के पास, कि अपना फ़ोन ले जाइए आगे आपका फ़ोन। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? शिवा जी, आज आप आपके पास में आपका फ़ोन कब चोरी हुआ था और आपको कैसे पता चला कि आपका फ़ोन मिल गया है? फ़ोन को जनवरी में 1 साल हो जाएगा, मेरे को सुबह कॉल आया था तो उन्होंने तब बोला था कि मैम आपके नाम से कंप्लेन थी, आपका फ़ोन मिल गया, आपको यहाँ आना है। क्या हुई थी, पूरी घटना क्या हुई थी ये बताइए मुझे। उस टाइम फ़ोन मेरी सिस्टर का था, एक्चुअली कंप्लेन मेरे नाम से, वो जॉब से आ रही थी तब उनका फ़ोन चला गया। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपका फ़ोन मिला? बहुत खुशी हुई थी मुझे, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करा, वो ऑफिस चली गई थी, मैंने उनको बताया कि फ़ोन मिल गया, तो फिर वो तब आई मेरे साथ, मैं उनको लेके आई हूँ, यहीं बैठी हूँ। ठीक है। PPS अनित कुमार ने इस बारे में यह जानकारी दी। सर, नए साल में 100 फोनों की सौगात, क्या है पूरा मामला? ये जो हमारी सर्विलांस यूनिट को अलग अलग समय पर लोगों के मिसिंग मोबाइल की रिपोर्ट मिलती रहती है, साथ ही जो थाना और चौकियों पर भी जो अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं कि हमारे मोबाइल मिस हो गए हैं, जैसे कहीं पर छूट जाते हैं या पर या कहीं खो जाते हैं, तो वो जो सारी कंप्लेंट्स हैं हमारे जो सर्विलांस सेल है इसके पास आती रहती है। यहाँ पे हम लोग इन मोबाइल्स के IMEI को रन कराकर इनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने, हमारी टीम ने लगभग 11 कंपनियों के विभिन्न जो मॉडल हैं उनके 100 के करीब मोबाइल नंबर हमने बरामद करके और इनके जो असली ओनर हैं उनको वापस लौटाने का आज हम काम कर रहे हैं। और इस इनकी यदि हम कीमत देखें तो बाजार मूल्य के हिसाब से 21 लाख के करीबन इनकी कीमत बैठती है। हमने विगत अगस्त में भी इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके और जो इनके असली स्वामी थे उनको मोबाइल लौटाए थे, उसी क्रम में आज दोबारा हमने 100 मोबाइल आज लौटाने का हम काम कर रहे हैं, जिससे कि नव वर्ष पर
लोगों को अपने मोबाइल मिसिंग मोबाइल मिल जाए और उनको चेहरे पे खुशी आए। भैया किस तरीके से ये फोनों को छीन लेते थे या चोरी कर लेते थे? सारे मोबाइल वो हैं जो किसी क्राइम से संबंधित नहीं है, जो कि चोरी नहीं गए थे और जो कि लूटे नहीं गए हैं। ये तो वो है जो मिस हो जाते हैं, कहीं पे छूट गए, किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा के उनको प्रयोग करना शुरू कर दिया, उनको हम ट्रैक करके ट्रेस करके और वापस हम ये आज लौटा रहे हैं। ये किसी क्राइम से संबंधित नहीं है। सर इस टीम में कितने मेंबर थे? ये टीम में हमारे 11 लोग हैं जो हमारी सर्विलांस सेल की यूनिट है। हमारे प्रभारी जो है योगेंद्र, इनके मार्गदर्शन में ये सब लोग कार्य करते हैं और ये पूरी टीम लगातार काम करती रहती है। प्रतिदिन जो भी शिकायतें मिलती हैं उन पे हम हमारी टीम लगातार काम करती है। क्या सर कोई नाम भी घोषित किया गया टीम के? वो कप्तान साहब के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए समय समय पर इनाम दिया ही जाता है, इस संबंध में भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।